25 বছর পূর্তি উপলক্ষে NSHM ম্যানেজমেন্ট কলেজে সেমিনারের আয়োজন। দুদিন ব্যাপী সেমিনারের আয়োজন করা হয়। প্রথম দিন অনুষ্ঠানে অংশ নেন মালদ্বীপ, থাইল্যান্ডের কনসাল জেনারেল, নিউজিল্যান্ডের প্রতিনিধিরা। সেমিনারের মূল উদ্দেশ্য শুধু এই দেশেই নয়, বিদেশেও পর্যটনে কি ধরনের বদল আসছে তা পর্যালোচনা করা। এছাড়াও পরিবেশ দূষণ নিয়ে সচেতনতামূলক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সেমিনারে অংশ নেন পড়ুয়ারা। ये जो दो दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसका नाम है ITSC इंटरनेशनल टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी कॉन्फ्रेंस 2023। ये बहुत बड़ा आयोजन किया गया है। टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी के फील्ड में आने वाले समय में क्या संभावनाएं हैं और ये शिक्षा, ये एजुकेशन क्यों बच्चों के लिए ज़रूरी है और आने वाले समय में किस तरह की चीज़ों में बदलाव आने वाला है, आ रहा है, इसके लिए हमने दो दिन का आयोजन किया। और ये पूरा का पूरा कार्यक्रम, दो दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म पर्यटन मंत्रालय के साथ में हो रहा है। इसके अलावा काफ़ी सारे लोगों ने हमें इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हम हमारा सहयोग कर रहे हैं। मूल विषय कन्টেম্পোরারি ইস্যুস গ্লোবাল ট্রেন অ্যান্ড সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট, যেটা বর্তমান সময়ের রেসপেক্টে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এবং এই কনফারেন্সের মাধ্যমে যারা পেপার প্রেজেন্ট করছেন তারা বিভিন্ন ইস্যুর উপরে, ব্রড এই থিমটার উপরে তারা পেপার টেপার তৈরি করেছেন এবং যারা এক্সপার্ট প্যানেল তারা প্যানেল ডিসকাশন করলেন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट पर्सनल बुलाए थे। इंटरनेशनल इवेंट हुआ था थाईलैंड, फिर बैंकॉक, फिर मालदीव से अलग अलग पर्सनल आए थे जो हमें उनके फील्ड के बारे में बहुत सारे लेक्चर दिए, जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल था। फिर हमको एक रिटेल इंडस्ट्री के बारे में पता चला क्योंकि वहाँ से भी एक बहुत ही अच्छे पर्सनल आए थे। हमने उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज लिया, कुछ थियोरेटिकल नॉलेज मिला जो हमें हमारा फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद हमने हमें वाइनरी के बारे में थोड़ा पता चला क्योंकि उसके ऊपर भी एक शॉर्ट ब्रीफिंग था। तो ये सब चीज़ें हमारे इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी था और हमको फ्यूचर में बहुत मदद करेगा। बांग्लार आवाज़, बांगाली आवेग, जी 24 घंटा।